यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक, अतिथि महोदय और मेरे प्रिय सहपाठियों, जैसे कि आप सबको विदित ही होगा कि आज हम यहाँ 15 अगस्त यानी हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एकत्रित हुए हैं। आज हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त देश का राष्ट्रीय पर्व है और इसे मनाने के पीछे यही कारण है कि हमें इस दिन काफी लंबे समय के बाद आज़ादी मिली थी। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के पीछे एक नहीं बल्कि कई क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया है। अंग्रेजी हुकूमत ने 200 साल भारत की जनता पर तरह तरह के अत्याचार किए। 1857 से लेकर 1947 तक भारत के इतिहास में न जाने कितनी ही कहानियां और किस्से हैं जिनका बखान आज एक दिन में कर पाना मुश्किल है। कैसे भारत की जनता पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए और कैसे भारत की आम जनता और खास जनता ने हाथ से हाथ मिलाकर भारत में अंग्रेजों के शासन का अंत किया। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है जिनकी बदौलत आज हम सब लोग आज़ाद भारत में खुलकर इस दिवस को मना पा रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।